हाँ साहब, कैसा रहा आज का दिन और किस तरीके से दिन की शुरुआत हुई आलोक के फ्रॉम ओरिएंटल? हाँ, आलोक शुरुआत तो आप लोगों से ही होगी और अभी हम दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बट दैट्स ऑल वी डू ओनली, यू नो, जस्ट विद द फैमिली एंड प्रे। हाँ साहब, लास्ट ईयर हमने मिस किया, आप शूटिंग कर रहे थे और इस बार फिर से मीडिया आपके साथ ईद का त्यौहार मना रही है। इस दिवस को आप के नीचे आपके ये दिवस कितना खास होता है और अगर कुछ बचपन की यादें अगर आप शेयर करें इनसे? आई थिंक जितने भी हमारे घर में तो सारे के सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सो ऑल ऑफ देम एक्चुअली आर टेकन एज अ मोमेंट कि सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें या दुआ करें, या कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक स्पेशल खाना होता, बट बियॉन्ड दैट और कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक ये जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं या फेस्टिवल्स हैं या रिलीजियस डेज हैं, जो भी है, चाहे दिवाली है या ईद है, आई थिंक ये इसलिए हो रहा है कि सब लोग उस दिन को खुशी से मनाएं और साथ में वो खुशी बांटें। सो बड़ा सिंपल सी बात है एक्चुअली, उससे ज़्यादा कुछ है। सो वी जस्ट स्टे एट होम और सबको छुट्टी भी मिलती है, सो एवरीबॉडी इज टुगेदर एंड स्पेंड्स टाइम टुगेदर। चलो, my right? Yeah. What was so special about this Eid and what did you give to your children this year? There's no gifting on Eid in our house. We just, I think, wear new white clothes. नए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो आई थिंक जो लड़के हैं उनको परेशानी होती है कुर्ता पजामा पहनने में, सब मॉडर्न है, सो ज़बरदस्ती उनको हम कुर्ता पजामा पहनाते हैं और ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं। यार बचपन में तो 11 रुपये मिलते थे बस, तो घर वाले या जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो कुछ पैसा दे देती थी या उसको बांध के दे देते थे, एंड बट इतना मुझको भी याद नहीं है क्योंकि माय आई थिंक मैं बहुत छोटा ही था जब माँ बाप चल बसे, तो फैमिली इतनी थी नहीं, सो बस दोस्तों के घर ही गए हैं या लोग हमारे घर में आते हैं, और ईदी में तब उस जमाने में तो ऐसे 11 रुपये या कुछ ऐसे लिफाफे में मिल जाते थे नानी से या किसी से। नहीं, आई थिंक ईद का त्यौहार और जो हमारा प्रोफेशन है वो अलग है, दिवाली का त्यौहार और प्रोफेशन जो है अलग है। आई थिंक उसकी सहायता सिर्फ यही होती है कि छुट्टियों के जब दिन होते हैं तो फिल्मों का बिजनेस बढ़ जाता है, लेकिन हम उसको ऐसा फेस्टिवल के साथ जोड़े हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, लोग ऐसी बात ज़रूर करते हैं और वो जब पॉजिटिव होता है तो अच्छा लगता है, बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट्स जस्ट सम टाइम ऑफ ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़ व्हिच हेल्प द बिजनेस। जब देखूंगा तो उसको थैंक यू बोल दूंगा। उसके वाले सवाल मुझसे मत पूछना। नहीं, अभी गॉटन टुगेदर, नॉर्मली मैं और सलमान रात को मिलते हैं बिकॉज काम के बाद, तो मैं 1:30 बजे उसके घर गया था, एंड तो फिर वो पता ही नहीं चलता जब हम साथ में होते हैं सुबह होते हैं, सर वॉज गोइंग एंड ही सेड साइकिल पे चलते हैं थोड़ा हेल्दी होता है, पता नहीं उसे क्यों सुबह सुबह ऐसी हेल्दी हेल्दी सूझी, ऐसे रुके गोइंग साइकिल है, सब जस्ट साइकिल फ्रॉम हिज हाउस एंड आई सेंट हिम बैक इन माय कार। नहीं, ये दोनों बहुत हैं यार, ये पूरा संभालेंगे कुश्ती का माहौल, और मैं लगता ही नहीं किसी एंगल से यार, मैं प्यार करने वाला हूँ, जैसे रेसलिंग वेसलिंग करना मुझे नहीं आता। हेलो सर,
दिस इज प्रमोद फ्रॉम एएनआई. आई जस्ट वांटेड टू नो कि सर जिस तरह से दुनिया में आतंकवादी हमले हो रहे हैं आज ये वक्त भी बांग्लादेश में भी हमले हुए हैं, तो आपका क्या लगता है सर एक धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? पिछले साल ना जब मेरा जन्मदिन था तो कुछ जर्नलिस्ट ने और टेलीविजन वालों लोगों ने मुझसे एक सिंपल सी बात का इतना बतंगड़ बनाया कि मैंने अपना जन्मदिन जो है एंजॉय नहीं किया. एंड आई होल्ड दैट अगेंस्ट एवरीवन, क्योंकि मैंने जो बात की थी अच्छी बात की थी, शरीफ बात की थी, उसमें कोई रिलीजियस गलत बात नहीं थी. मैं जवान लोगों को वो कह रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा इस बार ऐसे सवाल पूछ के मेरी हिम्मत खराब करो, क्योंकि क्या पता कौन कैसा उसको आगे बढ़ाती है. जन्मदिन हो, दिवाली हो, ईद हो, तो लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और आई थिंक नाम लेते हैं ऊंचा ऊंचा, अंदर आवाज़ आती है घर में, और वो जो है सुबह बड़ा एक्साइट हो जाता है और कहता है पापा 50 हैव कम. सो वो मैं एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट, मैं रात को काम कर रहा था तो मैं सोया बहुत लेट. मैंने यही सोचा था आप लोग जो है 4:30 बजे मुझे मिलना है, यू हैव समथिंग टू ईट बाय 3:30 एंड आई मीट यू, तो मैं आराम से 2:30 बजे उठूँगा. बट ही केम टू माई रूम एंड पापा 50 हैव कम, पापा 50 हैव कम, और वो अपना कुर्ता पजामा पहन के रेडी था बिकॉज वो सो जाता है. सो या दैट्स वेरी नाइस, ही ऑलवेज आई डोंट नो हाउ ही फील्स इट, क्योंकि उम्र में बहुत छोटा है, बट ही रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट people who love me and admire me come outside the house and he makes it a point. mera haath pakad ke wo mujhko balcony pe lata hai, then I got him out because I think if he respects it so much he should give back the respect even at this age. What kind of changes have brought you in your life? What kind of changes have Ram brought in my life? I have lots more toys to play with. Next time I'll probably toh dikhaunga choti gaadiyan, cycles, iohawk, Frigo. So all these things now I have an excuse to buy. तो मेरे पास एक बहाना है कि मैं खिलौने जाकर खरीद सकूँ अब्राम के नाम पर और खुद खेलूँ. We have two reasons here. One is I think me and Salman have said, we've talked about it, कि हम जो सोचते हैं बड़ी फिल्में हैं, ये नहीं कि हम दोनों ही सोचते हैं हमारी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन एक बड़ी फिल्म का एक अपना एक लेवल होता है रिलीज़ वाइज, कि वो 3,500-4,000 थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए. और एक दो बार उसके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, कि जब दो बड़ी फिल्में आती हैं वी डोंट गेट द थिएट्रिकल रिलीज़ वी वांट, और जो फिल्मों का बजट होता है परहैप्स वो उसको झेल नहीं पाता कि वो 4,000 थिएटर्स में रिलीज़ ना हो. सो टिल सच टाइम वी हैव एटलीस्ट 8,000-10,000 थिएटर्स free for one, two films. I don't think two big films can come. Second part was, we were still working on it. जैसा मैंने पहले बताया मुझे चोट लगी थी. So there are portions जिसमें मेरा body shot वगैरह I couldn't work out on it. So I still have to shoot that for a day. But the film is ready. और हमको ऐसा लगने लगा, हमने दूसरी alternate date सोची थी साल में, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई और एक और बड़ी फिल्म आ रही थी. तो it was just like कि वो कहते हैं ना जिसको कि from the frying pan into the fire we go and release with some other film. So we have discussed with Hrithik for Kabil, because shuruaat hui hai, it wasn't being made. So hopefully we will come on 26th or 25th January now. So waqt bhi hai aur abhi bhi kaam baki hai, maine abhi wo last shot nahi diya. So we also read reports that you have seen the teaser of Edna Mushkil and you seen the little unhappy with that. Something that you can share with us on this? Main phir se bolna chahunga, jo report aap khud likhte hain usme believe mat kiya kijiye. Hame bhi pata nahi hota. I want to know sometimes what are you guys taking. Sometimes even I want to take the same thing. You're writing what you're writing. So please, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ, ईद का मौका है, कभी कोई पूछा एडवाइस है, मेरी एडवाइस आप सबको यही है कि जो आप खुद लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं उसमें बिल्कुल बिलीव मत कीजिए. Having said that, no, I haven't seen the failure of Ae Dil Hai Mushkil. And मेरी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं है विशेष उसके ऊपर कि आपका ट्रेलर ऐसा होना चाहिए. और मैंने भी पढ़ा ये किसी की फिल्म के बारे में अगर मैं सोचूं भी ऐसा, सो आई डोंट थिंक आई विल डिस्कस इट आउटसाइड, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब भी करण बोलेंगे मैं ज़रूर देखूंगा. और मुझे ये विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा. मैंने गाने सुने हैं उसके 3 गाने सुने हैं, जो उसका टाइटल ट्रैक है, इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट बैलेड्स यू हियर दिस ईयर, दिस आई कैन टेल यू. मैंने हमने एक दिन रात को बैठे तो करण ने मुझे उसका आई थिंक टाइटल ट्रैक सुनाया, इट्स फैंटास्टिक, बट आई हैव नॉट सीन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म.
पिछले दिनों आपका एक ट्वीट जिसमें आपने अपने किरदारों के बारे में थोड़ी दिलचस्पी लोगों में जगाई थी, और पिछली बार जब आपसे हम मुखातिब हुए थे तब आपने कहा था जुलाई से पहले आपको इस फिल्म में साइन नहीं करने वाले या उसके बारे में बात नहीं करें, तो उस लिहाज से जानना चाहेंगे क्या कुछ होने वाला है आपके हाथ से। मैं दो फिल्में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा मेरे पैर में तकलीफ है और आज ये बारिश के साथ दर्द भी हो रहा था। I'm starting Imtiaz Ali's film with Anushka at the end of August. क्योंकि आई थिंक अनुष्का बिजी थी सुल्तान में और एयर दिल अनुष्के थे, सो विल स्टार्ट दैट। पोस्ट दैट सम टाइम इन नवंबर आनंद राय की फिल्म, जो भी कास्ट नहीं हुई, और जो बाकी फिल्में हैं आई एम इन डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर दोस्त भी हैं, अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं, सो वो अभी कन्फर्म नहीं हुई। सो मैंने वो ट्वीट एक्चुअली किसी जर्नलिस्ट का ट्वीट पढ़ के ही लिखा था कि यार ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मुझे इनमें से सिर्फ दो ही शायद कर रहा हूँ। एंड कहीं लिखा था वो फिल्म जो है गाइड पर निर्धारित है, आधारित है इम्तियाज की, तो नहीं एंड द अदर वन आल्सो यस आई एम प्लेइंग अ ड्वार्फ, लेकिन वो फुली कास्ट नहीं है फिल्म, उसमें सिर्फ अभी मैं ही कास्ट हूँ, बाकी कास्ट हुई नहीं है, तो अभी थोड़े दिन में हो जाएगी। आदित्य चोपड़ा की कोई हाँ, और गौरी शिंदे की फिल्म है वो खत्म हो गई है। आदित्य चोपड़ा की किसी फिल्म का जिक्र था? हाँ, लेकिन वो मैंने ही पढ़ा था, मगर आदि के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं फिल्म पिछले एक साल से, बट वो ऐसी नहीं है जो मैंने पढ़ा था, वो अलग है, अनलेस आदि ने किसी को बता दिया और मुझे नहीं बताया। यार इम्तियाज मैं बहुत सालों से जानता हूँ, जब उन्होंने वो पहली फिल्म बनाई थी और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और शायद सोचा ना था, और जब जब भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं स्ट्रेंजली वो मेरे घर आके मुझे अपनी वो फिल्म की कहानी बताते हैं जिसमें मैं नहीं हूँ, ऑलवेज ही टेल्स मी दैट आई विल थैंक यू, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं वो, इवन लव लव आजकल इट वॉज कॉल्ड समथिंग ब्रिजेस, देन व्हेन ही मेड रॉकस्टार, देन तमाशा की मुझे नहीं मालूम थी, ही इज ऑलवेज डिस्कस दिस फिल्म विद मी जस्ट एज अ फ्रेंड एज अ क्रिएटिव पर्सन, सो देन सडनली वन डे ही सेड सर मेरे पास आपके लिए भी है, बट आई वांटेड टू डू अ हैप्पी फिल्म बिकॉज आई एम इन दैट जोन राइट नाउ, वो थोड़ी खुशगवार फिल्म। हाँ, जब कौन सी थी करीना और शाहिद की, जब भी मैं सो आई रियली लाइक दैट फिल्म, सो एंड इवन हाईवे, सो ही हैड अ फिल्म फ्रॉम एंड आई थिंक ही इज गॉट अ नाइस लाइक यू सेड डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ लव, सो इट्स अ लव स्टोरी बट कीपिंग माई एज इन माइंड नाउ, इट्स नॉट लाइक अ यंग अपबीट लव स्टोरी लाइक दैट, बट ही हैज अ वेरी नाइस टेक ऑन इट, सो होपफुली ही विल मेक इट नाइस। No, in fact, I was 26 years. It depends on the role I get. So, of course, I can't play it. I should be playing an age now as a character. If I'm playing 26 or 27, I should think of as a character, not believe I'm 26. I look 26, I feel 26, and I'm sexy as 26. But I should not think I'm 26. I should play it as a character. एक्चुअली मैं उसको इस वक्त फिल्म में दिखा रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म स्कूल में जा रहा है, सो मैं उसको बहुत, मैंने एक फोल्डर बनाया फिल्मों के नाम का, विच आई थिंक आर क्लासिक्स, जैसे अनटचेबल्स, गुडफेलास, देन आई हैव शोन हिम फॉलिंग डाउन, माइकल डगलस, तो इस वक्त मैं उसको ऐसा एक एजुकेशन दे रहा हूँ कि अभी उसको अंग्रेजी फिल्मों का ही दे रहा हूँ, एंड आई एम श्योर हिंदी की जो फिल्में हैं वो भी मैंने क्लासिक एक लिस्ट बनाई है, जाने भी दो यारों हैं, शोले देख चुके हैं वो, एंड दो आंखें बारह हाथ, देवदास, चाहे वो मेरी वाली हो या दिलीप सर वाली हो, बट आई वॉन्ट देम टू सी फिल्म्स, बाकी उनके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस मुझको नहीं मालूम यार, मैं इतना डिस्कस नहीं किया है, बट वो सारी फिल्में देखते हैं जब हिंदी की फिल्में आते हैं देखते हैं, एंड लाइक एवरीवन। हाँ, क्योंकि मैंने डिग्री नहीं प्राप्त की थी लेकिन मैं मास्टर्स तक पढ़ाई की थी, तो अभी मेरे दोनों बच्चे मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब आप ये पूछ रहे हैं कि वो एक्टर बनेंगे या नहीं, तो वो उनका डिसीजन होगा, और अभी हमने उनको उस वाले पद चिन्ह पर निकाला,
अभी उस पदचिन्ह पर डाला है जहाँ पे वो पढ़ाई करें, लिखाई करें, और ये मैं 1.5 करोड़ बार बोल चुका हूँ। तो वो अभी कॉलेज ख़त्म करेंगे, उसके बाद मैं सब बार यही बोल रहा हूँ कि एक्टर बनना इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि तुम्हारा बाप एक्टर है, एक्टर बनना इसलिए लाजमी है क्योंकि आपको कुछ और नहीं करना, एक्टिंग करनी है। सो अगर उनके दिल में वो बात आएगी मेरे बेटे या बेटी की और तीसरे बेटे के, तो वो बने एक्टर। अगर वो कुछ और बनना चाहेंगे तो जितना खुश मैं उनसे इतना होगा कि वो एक्टर बने, उतना ही खुश उसमें होगा कि वो इंजीनियर बने। ईद मुबारक मुझे। आई थिंक बिटवीन माई सेल्फ आमिर एंड सलमान, आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लाइकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड वी ऑल फील द सेम अबाउट द अदर टू। I also feel they are bigger stars than. If you ask Salman, he'd also say the same thing. I think it's out of respect and knowing each other for so many years now. You know, we've known each other for 25 years from the day we have stepped into Mumbai. I mean, they were here 2 years ago earlier, but the day I stepped into their houses and their lives, they've been very kind. So I think a lot of things that we say about each other should not be taken as that Amir is saying the truth in that way, but he's showing respect and regard and he's being dignified. And we show that to each other. And having said that, I'm sorry I haven't said it. मैं कल नितेश के साथ शूट कर रहा था जो डायरेक्टर हैं दंगल के, मुझे फ़ोन लगा नहीं आमिर का, सो होपफुली दिस विल गो थ्रू। उसका जो नया पोस्टर है बहुत खूबसूरत है, वो जो लड़कियों के साथ आई थिंक ही लॉन्च्ड अ फ्यू डेज अगो, बहुत ही अच्छा है। सो आई रियली लाइक इट, आई ट्राइड कॉलिंग हिम, आई डोंट गेट थ्रू, बट आई टोल्ड नितेश अबाउट। सो वी रिस्पेक्ट ईच अदर, और हम तीनों इस मुकाम पर हैं कि हम तीनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के अलावा कुछ और करना आता ही नहीं। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर व्हाट वी हैव डन। सलमान Yeah.